हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हो सैंडी यूट्यूबर चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ एक्टिव क्रॉसओवर सर्किट बोर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बोर्ड देख सकते हो ये है एक्टिव क्रॉसओवर सर्किट बोर्ड। यहाँ पर सभी का यहाँ पर दोस्तों बेस का वॉल्यूम है, यहाँ पर ये मीडियम है, मिड का वॉल्यूम है, और ये दोस्तों ट्रेबल है, ट्रेबल का वॉल्यूम है, और यहाँ पर ये बेस का फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियम का फ्रीक्वेंसी है, ये ट्रेबल का फ्रीक्वेंसी है। दोस्तों ये जो हमारा बेस सर्किट है, बेस का आउटपुट है दोस्तों यहाँ पर, जो कि मेरे एक एम्पलीफायर से कनेक्ट है। दोस्तों ये मीडियम का सर्किट है, मीडियम का जो आउटपुट है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरा एक एम्पलीफायर कनेक्ट है, दूसरा एम्पलीफायर। और यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा ट्रेबल है, ट्रेबल का एक आउटपुट है जहाँ पर मेरा एक और एम्पलीफायर कनेक्ट है। टोटल यहाँ पर तीन एम्पलीफायर अलग अलग कनेक्ट है। तो चलिए मैं इसका पहले टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड का ओवरव्यू दिखाऊंगा, बोर्ड का प्राइस बताऊंगा। बोर्ड का जो पीसीबी लेआउट है दोस्तों, अगर आप लोग डीआईवाई प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहते हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को इसका जो सर्किट बोर्ड है, सर्किट डायग्राम है, पीसीबी लेआउट है, वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा दोस्तों। गूगल ड्राइव का लिंक है। अगर आप लोग बोर्ड को खरीदना चाहते हो तो दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को साउंड टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने 1200 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया है, ड्यूअल सप्लाई पर यह काम करता है। तो अभी ये कनेक्ट है दोस्तों एम्पलीफायर से। तो चलिए मेरा फोन से इसका जो इनपुट है वो एक ही इनपुट है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल कनेक्ट है मेरा, तो अभी मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ। दोस्तों प्ले कर दिया है मैंने, तो पहले मैं आप लोगों को बेस को दिखा रहा हूँ। ये बेस है, ये बेस का फ्रीक्वेंसी है, ओनली बेस, ठीक है। और अभी मैं मीडियम को खोलता हूँ, मीडियम का वॉल्यूम ये है, फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, और अभी मैं ट्रेबल को खोलता हूँ, ट्रेबल का वॉल्यूम ये है और फ्रीक्वेंसी ये है। बेस को मैं ऑफ करता हूँ, ये ओनली ट्रेबल है दोस्तों और ये मीडियम है। और ये हमारा बेस है, सभी को मैं खोलता हूं। मीडियम को मैंने ऑफ कर दिया है और अभी ट्रेबल को ऑफ कर दिया है, बेस चल रहा है ओनली। यहाँ पर मैं बेस को भी ऑफ कर देता हूँ दोस्तों, तो कोई साउंड नहीं है। और यहाँ पर ट्रेबल को खोलता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रेबल को ऑफ कर देता हूँ, मीट को खोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों एक ही बोर्ड से तीनों एम्पलीफायर पे आउटपुट दे सकते हो। एक एम्पलीफायर बेस चलाएगा, एक पावर एम्पलीफायर चलाएगा मीड को, और एक पावर एम्पलीफायर चलाएगा हमारा ट्रेबल को। माइक जो है वो चलेगा, मतलब एचएफ जो कहता है दोस्तों, हाई फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों ये बोर्ड काफ़ी अच्छा एक बोर्ड है, काफ़ी अच्छा वर्किंग कर रहा है, ठीक है। दोस्तों चलिए मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कनेक्शन में खोल रहा हूँ, ठीक है।
तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर मैंने इस बोर्ड का जो कनेक्शन है वो निकाल लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो आईसी है हमारा, ये TL072 आईसी से बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये सभी आईसी TL072 है, देख सकते हो दोस्तों आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर है, और यहाँ पर दोस्तों 79 बारह, 78 बारह, और यहाँ पर 2 बड़ा कैपेसिटर है 2200 माइक्रोफेरेट का। और यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंसी के लिए ये 100K का सिंगल चैनल है, ये बेस के लिए है। और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा है मीड के लिए, और ये हमारा है ट्रेबल के लिए, मैंने आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, पीछे की साइड कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 1212 500 mA से लेकर 1 एम्पियर तक आप लोग दे सकते हो यहाँ पर इस बोर्ड में। ठीक है, ये एकदम एक्टिव क्रॉसओवर बोर्ड है, बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आईसी का बेस भी लगा हुआ है, अगर आईसी खराब हो जाता है तो आईसी को बड़ी अच्छी तरीके से आप लोग निकाल के आईसी चेंज कर सकते हो खुद ही। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन है दोस्तों। यहाँ पर एसी 1212, और यहाँ पर दोस्तों आउटपुट होगा हमारा ट्रेबल का हाई फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पर दोस्तों आउटपुट होगा हमारा मीडियम फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर लेफ्ट और राइट ग्राउंड, और यहाँ पर से दोस्तों लो फ्रिक्वेंसी मतलब बास आउटपुट होगा दोस्तों यहाँ पर से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बोर्ड है दोस्तों। और इस बोर्ड का जो प्राइस है 950 रुपये है, कैश ऑन डिलीवरी। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों, और डिलीवरी चार्ज दोस्तों अलग से लगेगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके से दोस्तों ये बोर्ड बनाया है, ये मैंने खुद बनाया है दोस्तों। अगर आप लोग खुद बनाना चाहते हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग जाके पीसीबी लेआउट को डाउनलोड करके बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया ये बोर्ड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेस्ट कर शेयर कीजिए। और दोस्तों इस बोर्ड का जो साइज है वो 1 फुट लंबाई है। ठीक है, 1 फुट। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ अच्छा चीज़ दिखाने की कोशिश में रहूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा। और इस तरीके मेरा चैनल सैंड यूट्यूबर दोस्तों, चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।